हेलो वीवाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आप लोगों के साथ अपने ऊटी हिल स्टेशन का आ, कैसे मैंने वहाँ की जर्नी की वो सब शेयर इसकी वीडियो में कर रही हूँ वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़ रहे हैं सभी जानकारी ऊटी पहुँचने के लिए ऊटी का समय किस तरह के होटल सभी कुछ आज की वीडियो में शेयर किया गया है तो वीडियो को जरूर देखिए पूरा देखिएगा तभी आपको वीडियो को समझ आएगा चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हिल स्टेशन ऊटी की जर्नी भारत के सभी प्रसिद्ध हिल स्टेशनों में ऊटी का नाम भी शामिल है जहां हर साल लाखों लोग विजिट करने जाते हैं अगर आप भी ऊटी जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें इस वीडियो में फ्लाइट बस ट्रेन कार तो सभी तरह से ऊटी जाने के बारे में बताया गया है और भारत के सबसे मशहूर हिल स्टेशन में शामिल इस हिल स्टेशन तक जाने में किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है तो चलिए शुरू करते हैं ऊटी का सफर इस वीडियो डियो के थ्रू यदि आप ऊटी फ्लाइट से सोच रहे हैं कि आप हवाई जहाज से ऊटी कैसे पहुंचे तो ऊटी के निकटतम एयरपोर्ट सबसे नियर बाय जो एयरपोर्ट पड़ जाता है वो है कोयमबोट टूर एयरपोर्ट जो कि ऊटी से करीब 87, 88 किलोमीटर दूर पड़ता है लेकिन अगर आपको कोयम्बू एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट ना मिले तो आप बेंगलोर के माध्यम से भी जा सकते हैं जो कि वहां से बेंगलोर से ऊटी की दूरी 305 से 310 किलोमीटर की दूरी पर है और आप यहां से कैब बुक करके आप अपने ऊटी के लिए डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं तो जैसे कि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूं यहां पर बस टैक्सी सभी कुछ अवेलेबल है आपको जिस तरह से ऑप्ट करना है आप उस हिसाब से ऑप्ट कर लीजिएगा टैक्सी चार्जेस एयरपोर्ट से थाउजेंड रुपीज से स्टार्ट हो जाता है जितनी ज़्यादा दूरी होगी आपके उतना ही बढ़ जाएगा और अगर आप ट्रेन से प्लान कर रहे हैं तो ट्रेन में भी बहुत अच्छा आपका ये जर्नी होने वाली है अगर आप मेरा सलेक्शन सजेशन लें तो प्लीज़ आप एक बार ट्रेन से ऊटी का जो रास्ता है वो ज़रूर तय कीजिएगा क्योंकि ट्रेन से ऊटी को देखने का जो मज़ा है वो टैक्सी या कैब या बस से आपको इतना नहीं मिलेगा और यहाँ पर जो है आप ट्रेन से बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ कैप्चर हो जाते हैं टॉय ट्रेन आपको ऊटी पूरा ऊटी घुमाने में हेल्प करती है और बहुत ही अच्छी टॉय ट्रेन है आप सारा नज़ारा प्राकृतिक सौंदर्य का जो नज़ारा है ऊटी जो हिल स्टेशन सभी प्रसिद्ध हिल स्टेशनों में जाना जाता है वो आप टॉय ट्रेन के माध्यम से उठा सकेंगे तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि आप बाय ट्रेन या बाय कार या बाय फ्लाइट किस तरह से आप जाना पसंद करेंगे तो मेरा सजेशन बाय ट्रेन से है ट्रेन से जरूर आप ऊटी प्लान कीजिए फ्लाइट से आपका टाइम ज़रूर बचता है आप दो घंटे में बेंगलोर से अगर आपने ऊटी आप पहुंच रहे हैं तो आपको दो तीन घंटे लग जाएंगे लेकिन ट्रेन से आपको टाइम ज़्यादा लगेगा पर मज़ा आपको ज़्यादा आने वाला है और यहाँ ऊटी में देखने के लिए काफ़ी सारे हैं टी एस्टेट है आपका बोटानिकल गार्डन है बहुत सारे प्राकृतिक बोटिंग और लेक व्यू सारी तरह की चीज़ें ऊटी में आपको देखने को मिलेंगे अगर आप ये देखना चाहते हैं कि क्या क्या आप वहाँ इंजॉय कर सकते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यहाँ पर आपको होटल जो है आठ सौ रुपये से ले कर पंद्रह हज़ार तक की रेंज में सभी तरह के होटल्स मिल जाएंगे जो आपकी चॉइस और जो आपका बजट है उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं ए अगर आप पहले कर लेते हैं तो बेनिफिशियल पार्ट रहता ही है ऊटी में घूमने की जो जगह है मैं आपको 10 जगह ऐसी बता रही हूँ जो बेहद ही अच्छी जगह है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है जो कि हमें कहते हैं कन्नूर ग्रेट ट्रेड गार्डन ऊटी लेक बहुत खूबसूरत है बॉटैनिकल गार्डन अगर आपको प्लांट्स का ग्रीनरी का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है शौक़ है तो आप बोटेनिकल गार्डन रोज़ गार्डन ज़रूर ट्राई कीजिएगा और यहाँ की जो खूबसूरती है जो प्लांट्स है रिवर व्यू लेक व्यू सब कुछ आपको देखने को थोड़ा थोड़ा सा मिल जाएगा और पाइन फॉरेस्ट वेनलॉक पॉइंट पैकारा और लेप्स रॉक्स ये सब आपको ऊटी में मिल जाएंगे देखने के लिए और सबसे अच्छा समय ऊटी में जाने का बेस्ट विजिट टाइम जो रहता है वो रहता है आपका गर्मियों में और मेन दिसंबर के टाइम यानी कि नवंबर से दिसंबर के आसपास आप यहाँ पर ज़रूर ट्राई कर सकते थे तो ये था आज का व्लॉग ऊटी स्पेशल कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और बाकी हम लोगों ने अपना ऊटी कैसे एंजॉय किया उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग